खरगोन शहर में हजरत इमाम हुसैन की याद में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मुहर्रम की 10वीं तारीख को ताजियों का चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। शहर के मुल्लानवाड़ी में शाम के वक्त ताजियों का चल समारोह निकला, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अकीदत के साथ या हुसैन के नारों से गूंज उठा। इसी तरह शहर के संजय नगर, टेकड़ी, कुम्हारवाड़ा सहित विभिन्न स्थानों पर भी रात के समय ताजियों का चल समारोह निकाला गया, जिसमें शहर भर के समाज के युवाओं ने हिस्सा लिया। देर शाम तक ताजियों का कारवा चलता रहा। मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को मुसलमानों ने रोजे भी रखे। शाम के समय अपने अपने घरों में दस्तरखान सजाकर दुआएं कर रोजे भी खोले गए। इस दौरान शहर के थाना प्रभारी बीएल मंडलोई, यातायात प्रभारी दीपेंद्र स्वर्णकार सहित पुलिस जवान भी चल समारोह में तैनात रहे और शांतिपूर्ण ढंग से चल समारोह का समापन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ये आज योम आशूरे का दिन है और आज हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन करबला में शहीद कर दिए गए थे। आपने जुल्म जबरी की खातिर अपने कुनबे को कटाना तो पसंद करा, लेकिन आगे झुकना पसंद नहीं करा। और आज इस्लाम जो देन है, आज इस्लाम आका हुसैन की देन है। और आज ही के दिन, आज से 14.5 साल पहले आका हुसैन को करबला में यजीदियों द्वारा शहीद किया गया था, जिनको 3 दिन के प्यासों पर जुल्म जबरी की इंतहा कर दी थी। यहाँ तक कि 6 साल के नन्हे अली असगर को छलनी किया गया था। तो आज हमारे यहाँ पर ये जुलूस निकलता है और याद इमाम हुसैन की शहादत के मौके पर, जिसमें ताजिया शरीफ का बड़े पुरसकून अंदाज में निकालते हैं हम लोग यहाँ से शांतिपूर्वक। यहाँ पर कोई ढोल, ताशा, नगाड़ा, ये खुराफात यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर अकीदतमंद बड़े अकीदत के साथ में ताजिया उठाते हैं और अपने कंधे पर उठाकर करबला तक पहुँचाते हैं बड़े अमन सुकून के साथ। और आज के दिन यहाँ पर हम लोग एक शांति का दर्श देते हैं कि जुल्म के खिलाफ कभी भी, जब भी अपनी आवाज को बुलंद करना हो, तो इमाम हुसैन ने हमें दर्श दिया है कि जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़ते रहना, कभी झुकना मत, अपनी गर्दन तक कटा देना।
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।